नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक गुरु में। तो जैसा कि मैंने थंबनेल पे ही लिखा हुआ है, चीप पावर बैंक, मतलब काफ़ी चीप पावर बैंक है ये। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं चीप से पावर बैंक का, जो कि आईप्रो की साइट से दिया गया है। इसकी एक्चुअल जो प्राइस वेबसाइट पर मैंशन है 699 है, बट मुझे फ्लिपकार्ट की सेल में मिला है 399 का, यानी अराउंड 400 का है। इस तरह का बॉक्स प्रोवाइड किया गया है आईप्रो की साइट से। वैसे मैं इतने चीप प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं करता, बट फिर भी मैं सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। 399 का ही है, इतना ज़्यादा कोई लॉस नहीं होगा इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या कुछ हमें मिलता है, इसकी चार्जिंग कैसी है। लेट्स ओपन द बॉक्स। तो ये हमें बॉक्स मिला है, बॉक्स के अंदर चीप के साथ साथ बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट भी है ये, छोटा सा है ये। नहीं तो मेरे पास इंडेक्स पे पावर बैंक है, वो भी अराउंड 10,000 mAh का है, बट काफ़ी लंबा है, हैवी है। इसकी जो पावर कैपेसिटी दी गई है वो 10,400 mAh की है, और इसमें जो आउटपुट USB पोर्ट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 2 USB पोर्ट दिए गए हैं इसमें, जिसमें एक सपोर्ट करता है 1 एम्पियर और दूसरा सपोर्ट करता है 2 एम्पियर का। तो जैसे आपके रिक्वायरमेंट हो आप चार्ज कर सकते हो इससे। और इसकी चार्जिंग के लिए, इसको चार्जिंग के लिए एक छोटी सी डेटा कवर दी गई है, देख सकते हो आप। बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो आप देख सकते हो बहुत ही मतलब चीप सा घटिया सा प्लास्टिक लगाया गया है इसमें, तो थोड़ी सी आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर ये गिरता है, हाथ से छूटता है, तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें एक लाइट भी दी गई है, इमरजेंसी लाइट, इन केस अगर आप नाइट में अगर लाइट वाइट चली जाती है तो आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो इसे। तो इसे ऑन करके देखते हैं, जैसे अगर आप थोड़े तक लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो लाइट ऑन हो जाती है। इस टाइप की लाइट है ये। दोस्तों मैंने इसे और भी, चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं चार्जिंग कैसे करता है, सपोर्ट करता है फ़ोन को या नहीं करता है। मेरे पास फ़ोन है, मैं इसे चार्जिंग स्टार्ट करके देखता हूँ। लेट्स चार्ज। इसमें थोड़ी बहुत पावर दी भी होगी कंपनी की साइड से। तो ये हमारा पावर बैंक, ये मेरा मोबाइल है। चलिए इसे इंसर्ट करते हैं इसमें, आपकी चार्जिंग स्टार्ट होती है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। मैंने इसे अदर तरीके से भी यूज़ किया था। अगर आप लोग चाहते होंगे कि ये बाईपास चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है, तो जी हाँ, ये बाईपास चार्जिंग सपोर्ट करता है। इट मीन्स अगर आप चाहें तो पावर बैंक को चार्ज करते हुए अपने मोबाइल भी साथ में चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे 4 इंडिकेटर दिए गए हैं, LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, तो ये बताते हैं इसमें कि पावर कैपेसिटी कितनी बची हुई है। 4 है इसका मतलब ईच जो है वो 25% को इंडिकेट करता होगा। इस वक्त चारों के चार मतलब LEDs ऑन है, इसका मतलब 100% ऑलमोस्ट 100% बैटरी इसके अंदर अवेलेबल है। तो मैं इसे कुछ दिन और यूज़ करूँगा और देखता हूँ ये कितना चार्ज करता है फ़ोन को। जो इसने रिकमेंड मतलब दिया गया इसके अंदर 10,400 mAh है, इसके अकॉर्डिंग इसे मेरे फ़ोन को 3 से 4 बार चार्ज कर देना चाहिए। तो मैं इसे चार्ज करता हूँ, देखता हूँ कितना ही पावर। चार्ज किए अपने फ़ोन, 2 फ़ोनों को साइमल्टेनियस एक साथ लगाया हुआ था, जो कि मेरा ऑनर का फ़ोन है, इसकी बैटरी अराउंड 3300 mAh की है, और दूसरा मेरे ब्रदर का फ़ोन है जो कि 5000 mAh की बैटरी है। दोनों को अराउंड मैंने 2 घंटे लगा के रखा था, तो इसकी बैटरी अराउंड 50% डिस्चार्ज हुई है और फ़ोन ऑलमोस्ट फुल चार्ज है दोनों। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा इसका बैकअप है। आप चाहो तो मैं इसे रेकमेंड करता हूँ, इसे परचेज कर सकते हो, बट हाँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा आप केयर कर लेना। बट सही 100, 99, 400 में इस वक्त ये बेस्ट चार्जर है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो पावर बैंक के ऊपर, तो मैं इसे रेकमेंड करता हूँ, ले सकते हो। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी।
और कोई सजेशन, कोई कमेंट हो प्लीज़ उसे आप जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।